चंद भानु का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आपका? मेरा नाम बलराज भाटी है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु से। जुलम की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हजार जुलम की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज कार्यालय पे जो आए, क्या अपनी मांगों को लेकर आप आए, बताइए पिताजी। ऐसा है, कचेड़ा गांव में किसानों के ऊपर पुलिस प्रशासन ने जो बर्बरता से लाठी चार्ज किया है और उनको निर्दोष किसानों को जेल में डाल दिया है, झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, जबकि वो अपनी जायज मांगे मान रहे थे, जो पिछला समझौता किसानों ने बिल्डर से किया था, उस समझौता का विरोध पुलिस कर रही थी, पुलिस बिल्डर से मिली हुई थी और निर्दोष किसानों के ऊपर लाठी चार्ज की गई, उसके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन भानु पूरे जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद कर रही है और उसकी घोर निंदा करती है लाठी चार्ज की। और आज जो हम डीएम साहब को ज्ञापन सौंपे कि भारतीय किसान यूनियन मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा, यदि दीपावली से पहले किसानों को बिना शर्त रिहा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन 12 नवंबर को जंतर मंतर पर पूरे दल बल से दिल्ली का घेराव करने का काम करेगी और भारतीय किसान यूनियन किसानों को आज पूरे समर्थन के साथ में कचेड़ा गांव कूच करेगी। लगभग कितने किसानों के लिए जेल भेजा गया है? तकरीबन 70-75 किसान हैं लगभग, जिनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर किसानों को जेल में डाला गया है और लाठियां से उनको इतनी गंभीर चोटें दी गई हैं कि उनको उन पे चला नहीं जा रहा। 24 किसानों पे एक्स्ट्रा धारा दर्ज कर दी। राष्ट्रीय महासचिव जी बताएंगे, राष्ट्रीय महासचिव जी आप बोले। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से यहाँ एमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, जब भी जो कोई किसान संगठन किसानों की जो समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाता है, जिनका अनदेखी की जा रही है किसानों की, जब आंदोलन करते हैं आवाज़ उठाई जाती है तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और उन्हें जेल में डाला जाता है, ये एमरजेंसी की याद दिलाता है। इसी कड़ी में कचेड़ा में जो निहत्ते किसान थे, जो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, जो वेब सिटी में बिल्डर है, उसके जो वादा खिलाफी है, जो शर्त किसानों से ली गई थी, जिसमें जमीन ली गई थी, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया और किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग उठा रहे थे और अपील कर रहे थे कि 10 दिन की हमारी फसल है, आज धान का समय है, फसल पकी हुई थी, उसे काटने का और अपनी मांगों पर बात कर रहे थे, तो ज़बरदस्ती कब्जा लेने के लिए प्रशासन के साथ वो प्रशासन के लोग आए और उसमें महिलाएं बच्चों सबको पीटा गया, किसानों को पीट करके बर्बरता लाठीचार्ज किया गया और किसानों को जेल में डाल दिया गया।